We are with Desraj Tandon, who is the old stalwart of Narendra Modi. Recently, he met Narendra Modi in the rally. He has some memories to share. Thank you, sir. मैं बचपन से आरएसएस का सुनसीद रहा हूँ। 1967 में जब बहुत सी चंग गोयल ने जनसंघ के टिकट पर यहाँ से इलेक्शन लड़ा, तब मैंने जनसंघ का दफ्तर भी और सारा काम संभाला। उस वक्त पहली जीत हमारी जनसंघ की यहाँ से हुई थी, भारतीय जनसंघ की। उसके बाद मैं जनसंघ का जनरल सेक्रेटरी काम कर पा रहा। जनसंघ का काम करता रहा एज जनरल सेक्रेटरी। एमरजेंसी लगी तो एमरजेंसी का काम मुझे सौंपा गया। मैं 2 महीने अंडरग्राउंड रहकर काम करता रहा। उसके बाद वीसा में मेरी गिरफ्तारी हुई। 1.5 साल तक फुल टाइम मैं बुलाया जेल में रहा। मोदी कितने टाइम चंडीगढ़ में रहे थे आपके साथ? मोदी यहाँ लगभग उन्हें आना जाना था, तो ये नेशनल जनशक्ति थे और चंडीगढ़ और हिमाचल का इनके पास प्रभार था, इंचार्ज थे ये यहाँ के। तो आते आते रहते थे। हेड ऑफिस इनका यहाँ था, पहले कमलम में काफ़ी देर रहे। हालांकि उस वक्त कोई कमरे में कुछ सेटिंग नहीं थी, छोटे से कमरे में ये रहते रहे। जैसे भी शायद आपने फोटो भी देखी होगी, वो मदन लाल के साथ, चाचा जिसको बोलते थे, चाचा के साथ बड़ा प्यार था। चाचा भी हमारा जनसंघ के टाइम से पुराना सेवक रहा है दफ्तर में, तो उसके साथ ही वहाँ रहते रहे। उसके बाद पंचकूला में ये हमारे एक जनरल सेक्रेटरी थे। आपके साथ और कितने लोग थे, मोदी और आप, ऐसे कितने लोग थे जो साथ में काम करते थे और अब कितने रह गए हैं? मोदी जी के टाइम पर तो ज्ञानचंद गुप्ता प्रेसिडेंट थे। अच्छा। और उसके बाद धर्मपाल गुप्ता प्रेसिडेंट थे, मैं जनरल सेक्रेटरी काम करता रहा। कोई ऐसी याद मोदी की जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं उस वक्त? मोदी जी की याद ये है कि मैं समझता हूँ कि वो जो ठान लेते थे बात को, जिस बात को, वो उनके दिमाग में रहती थी, चाहे वो साल बाद करें या देर से करें या पहले करें, लेकिन वो ठान लेते थे कि ये काम करना है। और प्लानिंग उनकी जो है ना, वो बहुत ज़बरदस्त। मैंने एक दिन नोट किया कि यहाँ हम इसी मार्केट में घूम रहे थे, तो अब उस वक्त कोई ये मोबाइल वगैरह का ज़्यादा चलन नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल उस पर सेट रहते थे। गुजरात की उस वक्त तक, उस वक्त भी उनके पास, उनसे एक एक मिनट के पास की उनके पास होता था कि क्या हो रहा है वहाँ और कौन आदमी कहाँ खड़ा है। उसके बाद उन्होंने बाहर जाना था तो सारी ये सेटिंग करके अपने मोबाइल वगैरह की वो करवा के और वहाँ गए। मतलब जो काम उन्होंने वो करते थे वो बड़ा प्लानिंग से, जैसे गुजरातियों की शायद आदत भी है, वो करते रहे हैं। और जब बाहर से टूर से आते थे तो आते ही वो कंप्यूटर पर बैठ जाते थे। अच्छा, चंडीगढ़ की कोई ऐसी याद, कहीं आप सैर करने जाते हो या फिर? याद ये है कि हमें हैरानगी होती है कि यहाँ जितनी देर रहे कभी किसी स्टेज पर नहीं बैठे हो। अच्छा। तो पब्लिक स्टेज के सामने नहीं आए, सिर्फ एक छोटी सी स्टेज कमलम में बनी थी, उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी था, मेरे पास वो फोटो भी है। उस वक्त वो वहाँ स्टेज पर बैठे, बाकी कहीं भी स्टेज पर वो नहीं बैठे। कोई पब्लिक मीटिंग, उन दिनों पब्लिक मीटिंग ज़्यादातर नेहरू पार्क में होती थी, सेक्टर 22 में। अब तो ये पार्क बन गया ना, तो वो सामने सड़क पार करके दीवार के पास खड़े होते थे, स्टेज के आस पास भी नहीं होते। बात करते थे कि क्या क्या हो रहा है, एज जनरल सेक्रेटरी और एज प्रभारी ये काम होता है, इस तरह की प्लानिंग उनके तो बहुत ज़बरदस्त। और वही चीज़ हम आप अभी देखते हैं कि जो चीज़ उनके दिमाग में है सब सेट है और उसी हिसाब से उन्होंने अपने आदमी सेट किए हुए हैं। यहाँ भी रहते, अब उनके रहते कॉरपोरेशन का पहला इलेक्शन हुआ, उन्होंने जिस जिसको चुना था, कमाल के मतलब जो लोग लाइम लाइट में थे। ये कौन से सन की बात है? ये 67 की, 67 में ना, सॉरी 97 उस पहली कॉरपोरेशन बनी थी। अच्छा। मैं उसमें वार्ड नंबर 3 से इलेक्टेड मेंबर था, सीनियर डिप्टी मेयर भी रहा। तो उन्होंने मतलब इस तरह से चुना कि पहली कॉरपोरेशन का जो
लोगों पर असर जो है वो बहुत अच्छा जाए।